नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप यादव। आज हम लोग एवरीडे साइंस के एक नए वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि एवरीडे साइंस हमको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। ये सीरीज बहुत ज़्यादा मांग पर चल रही है, एवरीडे साइंस के नाम से हम चला रहे हैं। इस एवरीडे साइंस में हम लोग जनरल नॉलेज की चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस एवरीडे साइंस में आपको चीज़ें पता तो होती हैं लेकिन उसका सही फैक्ट नहीं पता होता एवरीडे साइंस की सीरीज में। आइए इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो एवरीडे साइंस की पहला क्वेश्चन, एवरीडे साइंस का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जो ड्राइवर होते हैं, जो बस में या फिर जो गाड़ी चौड़ी चलाते हैं, जो चार चक्का वगैरह जो भी चलाते हैं, उसमें जो ड्राइवर होते हैं उसकी जो हैंडल होती है, उसकी हैंडल में देखेंगे आप तो एक बैग लगा होता है। बैग समझ रहे हैं, एक बैग प्रॉपर्टी से लगा होता है। वो बैग जो है उस बैग में गैस होती है। क्या होती है इस बैग के अंदर क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। अब बात ये आई, ये गैस क्या करती होगी, अर्थात ये गैस ये साथ ही ड्राइवर का जो हैंडल पे लगा हुआ जो बैग है, ड्राइवर के हैंडल पर जो लगा हुआ बैग है, ये क्या करता होगा ड्राइवर को? तो हम आपको बताएं तो वो जो बैग है उसमें है गैस। अब मैटर ये आया, सर वो गैस कौन है? तो सोडियम एजाइड। ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ड्राइवर होते हैं उनमें जो एयर बैग होता है, इसको कौन सा बैग बोलते हैं हम? तो एयर बैग। तो जो एयर बैग होता है ड्राइवरों के पास के जो हैंडल में, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आप बताएंगे सोडियम एजाइड गैस भरी होती है। अब ये सोडियम एजाइड गैस क्या करती होगी दोस्तों? जैसे जो है कोई टक्कर लगता है उसकी गाड़ी में, वो बैग तुरंत खुल जाता है और ड्राइवर जब हैंडल पर उसका चेस्ट होता है उसकी हैंडल पर लगने लगता है, तो ये बैग उसको क्या कर लेता है? रोक देता है। इस प्रकार से यथार्थ टक्कर लगने पे बैग खुल जाता है और उसको क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन कर देता है ताकि उसके चेस्ट वगैरह में कहीं कोई दर्द ना आए। तो एयर बैग्स क्या हैं? तो एयर बैग्स जो है बताएंगे, जो है ड्राइवर जो होता है उसके हैंडल में लगा होता है ये बैग क्या करता है? ट्रक या फिर कोई भी जो है गाड़ी जो चार चक्का होती है अक्सर उसमें होता है, उसमें क्या करता है ये बैग? उसमें सोडियम एजाइड गैस भरी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो है एयर बैग्स में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताएंगे आप सोडियम एजाइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम अपने दूसरे इसी एवरीडे साइंस प्रोग्राम की दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, अर्थात दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फास्फोरस होता है, सब लोग पता होगा, सब लोग जो है साइंस वाली दुनिया से होंगे, फास्फोरस जिसका प्रतीक होता है पी, परमाणु क्रमांक होता है 15। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस अक्सर चट्टानों में पाया जाता है। पहली बात कहाँ पाया जाता है? चट्टानों में पाया जाता है। फास्फोरस के जो भंडार होते हैं उस भंडार में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको एक बीमारी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फासीजा, अर्थात हम बोलते हैं उसको फासीजा जो बीमारी होती है, ये जो है क्या होता है कि जो है जो फास्फोरस के भंडार में काम करने वाले लोग होते हैं उनको होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फांसी जबड़ा रोग।
तो फांसी जबड़ा रोग किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे फांसी जबड़ा रोग फास्फोरस के कारण होता है। यह क्या करता है, जाकर के बिल्कुल जो है जो जबड़ा होता है हम लोगों को जो दांत होते हैं उसके जो जबड़े होते हैं, जो हम लोगों के दांत होते हैं उसके जो जबड़े होते हैं उसका क्या करने लगता है, क्षरण करना स्टार्ट कर देता है, अर्थात उसको बिल्कुल हटाना स्टार्ट कर देता है, जो जबड़े होते हैं उसको क्षरण करना संक्षारण अर्थात उसका क्षरण करना स्टार्ट कर देगा, उसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं फांसी जबड़ा नामक बीमारी। और ये फांसी जबड़ा नामक बीमारी जो है फास्फोरस के भंडार के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हीं को होती है। अब इस प्रकार से हम अपने एवरीडे साइंस प्रोग्राम की नेक्स्ट वीडियो को अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन एवरीडे साइंस से ये निकल करके आया हुआ है कि अब फास्फोरस की चर्चा तो हो ही रही थी, तो क्यों ना एक फास्फोरस पे और बनाया जाए। जैसे आप सब लोग माचिस का इस्तेमाल किए होंगे, अब तो सब लोग लाइटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो माचिस होती है उसके जो है जो सतह होती है इस प्रकार से, वहाँ पर देखेंगे आप जो है काफ़ी क्या होता है उसको काफ़ी रबिश टाइप मतलब टाइप में होता है, उसमें क्या करते हैं जब आप एक तीली लेकर के उसको क्या करते हैं रगड़ते हैं, इस पर रगड़ेंगे जैसे ही वो तीली जलना स्टार्ट कर देती है। तो कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो किसको नहीं पता है, एवरीडे साइंस में आप ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो कहेंगे इस जो है जो रबिश टाइप अर्थात जो खुरदरा टाइप में जो यहाँ सतह पे लगा हुआ है वो रेड फास्फोरस है, लाल फास्फोरस, हम तो यही नहीं डिस्कस करते ना, एवरीडे साइंस इसके लिए नहीं खास है। एवरीडे साइंस ये कहता है कि जो है जो आप नहीं जानते उसको हम बताने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये जो माचिस की जो तीली होती है पलते यानी ये चीड़ नामक जो है पेड़ से बनती है, चीड़ नामक पेड़ से बनती है। आप देखते हैं इस माचिस के मसाला होता है अर्थात जो मिश्रण बना हुआ है मसाला का उसमें कौन सा पदार्थ होता है बताइए, तो इसमें होता है पोटेशियम क्लोरेट। ध्यान रखना होगा क्या होता है इस माचिस के तीली को जो मिश्रण जो काला काला होता है उसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट माचिस की तीली पर जो है जो मिश्रण होता है वो होता है और लाल फास्फोरस यहाँ पे होता है। इन दोनों को रगड़ने पर ही क्या होती है कि जो है आग उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से एवरीडे साइंस का तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। हम लोग बहुत ही बेसिक फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं जो आपको पता होता है, लेकिन कुछ ही चीजें आपको पता होती है बाकी नहीं पता होती हैं। आइए एवरीडे साइंस की अगली वीडियो पर डिस्कस करें। एवरीडे साइंस कहती है यू क्लोरीन, यू क्लोरीन किसे कहते हैं, किसके किसके मिश्रण को यू क्लोरीन कहते हैं अर्थात यू क्लोरीन क्या है। तो केमिस्ट्री वाले जो पढ़ाते होंगे टीचर उनसे भी पूछे गया तो वो भी नहीं बता पाएंगे यू क्लोरीन है क्या। तो यू क्लोरीन क्या है, तो आप बताएंगे क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस का मिश्रण ही यू क्लोरीन कहलाता है। तो यू क्लोरीन क्या होता है, तो यू क्लोरीन क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस के मिश्रण को हम लोग यू क्लोरीन का नाम देते हैं। इस प्रकार से एवरीडे साइंस की इस सीरीज को भी हम लोग मतलब इस वीडियो को भी हम लोग क्या कर लिए, खत्म कर लिए। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।